Hello. Now we'll see Chakriyasana cycling. Variation है हमारा both legs. जैसे आप पाओगे कुछ exercises ऐसी होती है जो हमारी upper body वाली होती है, कुछ exercises ऐसी होती है जो हमारी lower body वाली होती है. ये जो cycling जो हम exercise देखने वाले हैं, it is all about हमारे lower body की और exercises है. जो आपके abdominal से लेते हो आपके पैरों की ओर काम करती है. तो इसके लिए करने के लिए आपको पीठ के बल लाइन ऑन बैक आना होगा. तो आ जाइए लाइन ऑन बैक पीठ के बल. पीठ के बल लाइन ऑन बैक आने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, हाथों को वेस्ट के साइड की ओर सीधा रख लीजिए एंड दोनों पैरों से हमें वन आफ्टर अनदर वन एक के बाद एक हमें साइकिलिंग करनी होगी जो हम पहले करेंगे क्लॉकवाइज. चलिए आपको ज़्यादा तेजी से भी नहीं जाना है और ना ही काफ़ी धीरे जाना है, एक स्टेडी वे एकदम स्मूथली फ्लो वाइज जाना है. आप पाओगे जब ये करते हो आपका जो प्रेशर है आपके एब्डोमिनल कोर की ओर महसूस होना चाहिए. जब आपको ये प्रेशर आपके एब्डोमिनल कोर की ओर महसूस होगा विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ चक्रियासन. बट अगर कहीं ना कहीं आप प्रेशर आपके कहीं ना कहीं पैरों की ओर महसूस कर रहे हो विच इज़ इनकरेक्ट. तो इसलिए मैंने कहा जब प्रेशर काफ़ी घुटनों पर आता है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्लो वाइज जा सकते हो, इतनी तेज़ी से नहीं भगाना है. एंड साथ ही में क्या करना है, जब आप कहीं ना कहीं साइकिलिंग कर रहे हो आगे की ओर अपने टोज को स्ट्रेच करते हुए कर सकते हो विच विल बी ईजी फॉर यू. बट अगर लगे कि प्रेशर आपको कहीं ना कहीं आपके बैक की ओर महसूस हो रहा है लोअर बैक की ओर तो आप क्या कर सकते हो, अपने हथेलियों का सपोर्ट ले सकते हो अपने वेस्ट के नीचे कहीं ना कहीं. तो क्या करोगे, अपने हथेलियों को जोड़ते हुए पाम्स डाउनवर्ड इस प्रकार सपोर्ट ले लिया. ये सपोर्ट लेने से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर आप अपने लोअर बैक पर महसूस कर रहे होंगे या फिर बैक की ओर महसूस कर रहे होंगे वो कंट्रोल में आ जाएगा. तो इस तरीके से भी आप साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं. अगर हथेलियों को नहीं रख पा रहे हो, एक कॉटन का अगर कपड़ा भी अपने अपने वेस्ट के नीचे कहीं ना कहीं रखते हुए रख लिया तो उस प्रकार भी आप जा सकते हो. एंड दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब आप साइकिलिंग करते हो तो आप पाओगे कभी कभी आपका चिन हल्का सा उठने लग जाता है, आपका नेक हल्का सा उठने लग जाता है, राइट. तो चिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए इतना अंदर की ओर ना ही ऐसे ऊपर की ओर, इट शुड बी नॉर्मल. अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है तो क्या कर सकते हो, अपने हाथों को कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक रखते हुए सर के नीचे रख सकते हो इस प्रकार. एंड जो आपका चिन कहीं ना कहीं जो गलत दिशा में जा रहा था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और इस तरीके से इसमें भी आप इजीली साइकिलिंग कर पाओगे. साथ ही में अगर कंजेस्टेड आपको आपके शोल्डर एरिया की ओर महसूस हो रहा है या फिर हल्के से उठते हुए नजर आ रहा है तो क्या कर सकते हो, वो फ्री हो जाएगा जब अपने हाथों को आप हल्का सा सर के ऊपर की ओर सीधा रख लोगे. जब ऐसे रखोगे तो कहीं ना कहीं जो कंजेस्टेड यहाँ पे फील हो रहा था शोल्डर एरिया की ओर वो रिलैक्स हो जाएगा, उसे एक एक्सपेंशन मिल जाएगा. जैसे देखिए हमने क्लॉकवाइज साइकिलिंग उसी प्रकार होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग, जो हम उल्टा करते हैं एक के बाद एक पैरों को पीछे लाते हुए. इसमें आप चाहो तो अपनी एड़ियों को स्ट्रेच करते हुए कर सकते हो बिकॉज जैसे डाउन टू आप आते हो आपकी एरिया जैसे स्ट्रेच होगी आपको करने में इसे आसानी होगी, राइट. ये क्या करता है, जो आपका एनर्जी कहीं ना कहीं है वो अपर बॉडी की ओर मूव करवाता है, जो प्रेशर है हल्का सा ऊपर की ओर लाने में हेल्प करता है. तो एंटी क्लॉक भी कर सकते हो इसी में आप डाउन टू अप अगेन डाउन टू अप.
जितना बढ़िया आप एंगल ले पा रहे हो उतना बड़ा एंगल, बढ़िया एंगल लेना है। ध्यान रखिए साइकिलिंग ऊपर की ओर ही नहीं करनी है, पैरों को नीचे भी लाना होता है। ये हमने देखा चक्रीय आसन बोथ लेग साइकिलिंग बट विच इज वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक। आप पाओगे जैसे मैंने आपको बताया आपका प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आपके एब्डोमिनल कोर एरिया की ओर आपको महसूस होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके फॉर एग्जांपल अगर गैसेस वाली कोई चीज है या फिर हम बोलते हैं इनडाइजेशन है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है, तो उस रिलेटेड बहुत बढ़िया काम करता है और पैरों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये हमने देखा चक्रीय आसन बोथ लेग्स वन आफ्टर अनदर। थैंक यू।